वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं दो प्रोडक्ट का रिव्यू। दोनों ही प्रोडक्ट सिरोना ब्रांड से हैं। पहला है इनका एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश और दूसरा है इनका एंटी एक्ने फेस सीरम। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे हैं ये प्रोडक्ट या इनके बारे में सभी बातें साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। बट उससे पहले मेक श्योर जरूर कर लें कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूंगी जो कि मैं अपने हमेशा हर रिव्यू वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि कभी भी किसी भी न्यू स्किन केयर प्रोडक्ट को विदाउट पैच टेस्ट अपने फुल फेस या फुल बॉडी पे अप्लाई ना करें। ये आपकी स्किन की सेफ्टी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर टू, मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया है तो मुझे पता है कि हाँ ये कैसा वर्क करते हैं। इसलिए आज के वीडियो में मैं जो भी आपके साथ शेयर करूंगी वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने इन प्रोडक्ट को यूज किया है और एक इनफ टाइम दिया है इन्हें जज करने के लिए कि ये प्रोडक्ट कैसे हैं, कैसा वर्क करते हैं। पॉइंट नंबर थ्री, अगर आप इन प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं इस रिव्यू को देखने के बाद तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से इन प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो आई थिंक मैंने सारी बातें क्लियर कर दी है, हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूं और उसके बाद इनका जो फाइनल रिव्यू है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। स्टार्ट करेंगे फेस वॉश से। तो फेस वॉश कुछ इस तरह की आउटर कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स मेंशन की गई हैं। वैसे सारी डिटेल्स इनर पैकेजिंग पे भी मेंशन की गई हैं। तो अगर आप आउटर पैकेजिंग थ्रो कर देते हैं तो कोई बात नहीं क्योंकि सारी डिटेल्स आपको इनर पैकेजिंग पे मिल जाएगी। इसका जो प्राइस है वो है 375 रुपीज और इसमें आपको 125 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है। इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है और ये फेस वॉश ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट की, तो इसकी जो फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट है वो पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। तो इसमें आपको मिल जाता है मिंट ऑयल, फ्लैक्स सीड, कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट, बीट रूट एक्सट्रैक्ट, एप्रिकॉट सीड एक्सट्रैक्ट, फ्लैक्स सीड एक्सट्रैक्ट, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट इस प्रोडक्ट में डाले गए हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि जब ये एक फेस वॉश है तो इसमें एप्रिकॉट या बीट रूट ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये एक एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है जिसमें आपको फेस वॉश और स्क्रब दोनों की क्वालिटीज मिल जाती है। मतलब ये टू इन वन प्रोडक्ट है जिसे आप एज अ फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं और जब आप एज अ फेस वॉश इसे यूज करेंगे साथ ही साथ ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी कर देगा, मतलब कि स्क्रब यूज करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। अब बारी आती है उन हार्मफुल केमिकल की जिनके बारे में आप सभी हमेशा ही पूछते हैं। तो ये प्रोडक्ट 100% पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है, क्रूल्टी फ्री है, SLS फ्री है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी केमिकल ऐड नहीं किया गया है। साथ ही साथ ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है जिसकी वजह से ये आपकी स्किन के लिए सेफ है और आप इस प्रोडक्ट को इजिली यूज कर सकती हैं। अब बारी आती है हमारे सीरम की। तो ये है सीरम की पैकेजिंग जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी डिटेल्स इनर और आउटर दोनों पैकेजिंग पे मेंशन की गई है, चाहे तो आप इनर पैकेजिंग पे चेक कर लीजिए या फिर आउटर पैकेजिंग पे। सीरम का जो प्राइस है वो है 599 रुपीज जिसमें आपको 30 ml की प्रोडक्ट क्वांटिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ भी 24 मंथ है और ये प्रोडक्ट भी ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज कर सकती हैं। स्पेशली अगर आप बहुत ज्यादा ऑयली स्किन कैटेगरी में आती हैं या आपको क्लॉग पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, एक्ने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, तो आपको ये सीरम डेफिनेटली ट्राई जरूर करना चाहिए। अब बारी आती है सीरम की इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो इसमें आपको मिल जाता है सैलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन ई। इन इंग्रेडिएंट का नाम सुनते ही आपको ये चीज तो क्लियर हो जाती है कि ये ऑयली स्किन के लिए, एक्ने प्रोन स्किन के लिए या क्लॉग पोर्स के लिए
कितना ज्यादा बेनिफिशियल है ये सीरम। बात कर लेते हैं इसकी इनर पैकेजिंग की, तो ये है इसकी इनर पैकेजिंग जो कि ग्लास बॉटल है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल जरूर। साथ ही साथ ये ड्रॉपर के साथ भी आता है जिसकी वजह से इसे यूज करना काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। वैसे मुझे ऐसी पैकेजिंग ज्यादा अच्छी लगती है सीरम की। तो ये है इसकी मेन पैकेजिंग जिसकी डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वैसे अगर मैं सीरम की बात करूं तो इसकी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट भी पैकेजिंग पे मेंशन की गई है और इसमें भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं डाला गया है। ये 100% केमिकल फ्री है, पैराबेन फ्री है, एसएलएस फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है और साथ ही साथ क्रुएल्टी फ्री भी है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड भी है। वैसे आप में से बहुत सारे लोगों को 100% वीगन प्रोडक्ट पसंद होते हैं, मतलब कि ये 100% वेजिटेरियन प्रोडक्ट पसंद होते हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहूंगी कि सिरोना के प्रोडक्ट जो है वो 100% वीगन है, 100% वेजिटेरियन है, तो आप इन्हें बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मेरे फेस पे अभी कोई भी मेकअप नहीं है क्योंकि मैंने अपना मेकअप रिमूव कर दिया है, जिससे कि आपको इन प्रोडक्ट का जो लाइव रिजल्ट है वो दिख सके कि ये आपकी स्किन पे कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूज करूंगी फेस वॉश क्योंकि ये एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश है, तो ये आपकी स्किन को फेस वॉश की तरह क्लीन करता है और स्क्रब की तरह एक्सफोलिएट भी करता है, मतलब आपकी स्किन जो है वो एक स्टेप में ही डीप क्लीन हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं अपने फेस को थोड़ा सा वेट करूंगी। मैं आपको इस फेस वॉश का टेक्सचर दिखा देती हूँ, स्क्रबिंग के पार्टिकल्स। इसमें जो स्क्रबिंग के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा माइल्ड हैं, बहुत जेंटल हैं, बहुत छोटे हैं, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को हर्ट भी नहीं करेंगे और आप इजीली इन्हें अपने एक्ने प्रोन स्किन पे या फिर अगर आपको पिंपल है तब भी आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फेस वॉश जो है वो जेल की तरह है, तो ये आपकी स्किन के लिए और भी अच्छा है क्योंकि ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा, और क्योंकि ये इसमें कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्ट है तो आपकी स्किन को ये वैसे भी ड्राई आउट नहीं करेगा, बस ये आपकी स्किन को डीप क्लीन करने का काम करेगा। और जैसे ही आप इसे अपने फेस पे अप्लाई करते हैं जो मिंट है वो अपना काम स्टार्ट कर देता है। और फेस वॉश के लिए मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि फेस वॉश को हमेशा 30 सेकेंड से 1 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करें, मसाज करें, जिससे कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अपना काम अच्छे से कर सके और आपको फेस वॉश का भी सही रिजल्ट या सही वर्क दिखे। तो मैंने फेस वॉश क्लीन कर दिया है और उसका जो रिजल्ट है वो अभी आपको मेरे फेस पे दिख रहा है। मेरा फेस जो है वो अच्छे से डीप क्लीन भी हो गया है, साथ ही साथ फेस पे एक ग्लो भी ऐड हुआ है और जो कूलिंग इफेक्ट है वो अभी भी मेरे फेस पे मुझे फील हो रही है। तो रिजल्ट जो है वो आपके सामने है कि फेस वॉश कितना अच्छा वर्क करता है या फेस वॉश आपकी स्किन के लिए कितना अच्छा है। तो फिलहाल मुझे तो ये फेस वॉश बहुत ही ज्यादा पसंद आया क्योंकि अभी मेरी स्किन जो है हालांकि कंप्लीटली ड्राई नहीं हुई है, थोड़ी सी भी वेट है, बट मुझे अपनी स्किन जो है वो बिल्कुल भी ड्राई और इची फील नहीं हो रही है, काफी अच्छी सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रही है। तो ये आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन भी करता है, साथ ही साथ एक्सफोलिएट भी करता है और आपकी स्किन के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बेनिफिशियल भी है, जैसे कि आपके पिंपल और एक्ने को टारगेट करता है, आपकी स्किन पे एक ग्लो ऐड करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ड्राई आउट नहीं करता है क्योंकि इसमें कोकोनट ऑयल के एक्सट्रैक्ट हैं, तो आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज भी करता है। तो फिलहाल मुझे तो इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ लाइव रिजल्ट शेयर करना ज्यादा सही समझा ताकि आपको पता चले, आपको दिखे कि फेस वॉश जो है या प्रोडक्ट जो है वो कैसे काम कर रहा है। तो इस फेस वॉश के लिए डेफिनेटली यह है कि आपको ये फेस वॉश ट्राई जरूर करना चाहिए, स्पेशली अगर आप ऑयली, एक्ने प्रोन या क्लॉग पोर्स में आते हैं या आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल है, सन टैन है, तो आपको ये फेस वॉश जरूर ट्राई। तो फेस वॉश हम यूज कर चुके हैं, अब बारी आती है हमारे सेकेंड स्टेप की जो कि है हमारा फेस सीरम। और इसे यूज करने से पहले मैं इसका टेक्सचर आपको दिखा देती हूं।
इसका टेक्सचर ना तो बहुत ज़्यादा रनी है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक है, और ये कलरलेस है, इसलिए ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, स्पेशली सेंसिटिव स्किन वालों के लिए, क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों को कलर से भी प्रॉब्लम होती है और फ्रेग्रेंस से भी प्रॉब्लम होती है। तो इसमें ये दोनों ही पॉइंट नहीं है, इसमें ना तो एक्स्ट्रा कलर ऐड किया गया है और ना ही एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस ऐड की गई है, तो आप इन्हें इजीली यूज कर सकते हैं। वैसे सीरम जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि ये सुपर लाइट वेट है, नॉन ऑयली फॉर्मूला है, तो ये क्विक अब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन में और आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली, ग्रीसी या चिपचिपा नहीं बनाता है, बल्कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज करके रखता है। तो आप देख सकते हैं कि सीरम जो है वो इतनी जल्दी अब्सॉर्ब हो गया स्किन में। तो अगर आप अपने लिए एक लाइट वेट सीरम सर्च कर रही हैं तो आप इसे ट्राई कर सकती हैं, आपको बहुत पसंद आएगा। वैसे अगर आपको इस सीरम का सही रिजल्ट चाहिए या विजिबल रिजल्ट चाहिए तो आपको इसे डे एंड नाइट दोनों टाइम यूज करना होगा, ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ एक बार ही यूज करें। सीरम अप्लाई करें तो उसे फिंगर टिप की हेल्प से ही अप्लाई करें और ब्लेंड करें, और उसके बाद आपको उसे अपनी स्किन में प्रेस करना है। तो देखिए सीरम जो है वो फटाफट से हमारी स्किन में अब्सॉर्ब हो चुका है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो टच करने पे स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और स्मूथ फील हो रही है, और देखने में आप देख ही सकते हैं कि स्किन काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट भी दिख रही है, क्लीन क्लियर, और एक एक्स्ट्रा ग्लो भी स्किन पे ऐड हुआ है। किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट से आप इसके अलावा और क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे कि वो आपकी स्किन के लिए अच्छा काम करे और फर्स्ट इम्प्रेशन में ही या इंस्टेंट आपको उसका रिजल्ट मिले। फिलहाल हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो इंस्टेंट वर्क के लिए ही जाना जाता है, और जिसका रिजल्ट जो है वो अभी आपके सामने है कि ये आपकी स्किन पे इंस्टेंट वर्क करता है और आपकी स्किन को बहुत अच्छे से प्लम्पी हाइड्रेट बना दे। तो फिलहाल दोनों ही प्रोडक्ट अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है जो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करता है, आपकी स्किन की जितनी भी स्किन प्रॉब्लम है उसे दूर करता है, और दूसरा प्रोडक्ट जो है अगर उससे कुछ रह जाता है पहले प्रोडक्ट से तो दूसरा प्रोडक्ट वो काम बहुत अच्छे से कर देता है, आपकी स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम है उन्हें दूर करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ ग्लोई प्लम्पी बना देता है। दोनों ही प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकती हैं। फिलहाल मुझे तो ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आए हैं, इसलिए मैं आपको भी रिकमेंड करूंगी कि अगर आप ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्च कर रही हैं जो कि आपकी स्किन के लिए इंस्टेंट वर्क करें और उनका रिजल्ट जो है वो भी आपको इंस्टेंट दिख जाए तो आप इन प्रोडक्ट को इजीली यूज कर सकती हैं, बाय कर सकती हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया सिरोना के दो प्रोडक्ट का रिव्यू। पहला है इनका एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश, दूसरा है इनका एंटी एक्ने फेस सीरम, और इनका लाइव डेमो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें जिससे आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी एंड टेक केयर, बाय।